नमस्कार दोस्तों, जय मां लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आप लोगों को एक ऐसी खास जानकारी देने वाले हैं जिसके बाद में आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अभी इन चीज़ों को आप सावधानी से सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप लोगों को मिलने वाली है। और दोस्तों, आपके ग्रह नक्षत्रों में कुछ ऐसे बड़े बदलाव देखने को नजर आ रहे हैं जो केवल आपकी राशि के जातकों के लिए ही इन 24 घंटों में बड़े परिवर्तन मिलने वाले हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मां लक्ष्मी आपके घर में इस होली पर प्रवेश करने वाली है। आप सभी को बता दूं कि जो लोग आपको बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं, वे अब इस गलतफहमी में ना रहे कि आप अकेले हैं, जबकि भगवान ने आपके ऊपर अपना हाथ रख दिया है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों से लेकिन दूर रहिए जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, वह आपको बर्बाद करने की तैयारी में लगे रहते हैं। कुछ ऐसे ही लोग आपके आसपास हैं, जरा उनसे भी सावधान रहिए। वह ऐसे 24 घंटों में आपको कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बताएंगे कि किस तरह के अवसर आप लोगों को इन 24 घंटे में मिलने वाले हैं। सटीक भविष्यवाणी करेंगे आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा समय दीजिए और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो के अंत में हमने कुछ खास उपाय भी दिए हैं। यदि आपने सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लिया तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप लोगों को भोले बाबा की कृपा के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। तो दोस्तों, इसमें आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जितने भी माता लक्ष्मी का अपने घर में आगमन चाहते हैं वे सच्ची श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आप लोगों के लिए भाग्यशाली होने वाले हैं, ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जो आपके घर में आपके नक्षत्र में बड़े बदलाव कर सकती हैं। दोस्तों, इस समय ज़्यादा शौक ना करें, पैसों को आने वाले समय के लिए ज़रूर बचाएं, क्योंकि दोस्तों पैसा ही सब कुछ होता है। दोस्तों, पैसों से ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है और सभी इच्छाओं को भी पूरा किया जाता है। दोस्तों, इन सब बातों को आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि पारिवारिक माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जिससे दोस्तों आप लोगों का भी मन खिन्न रहने वाला है। दोस्तों, घर में अब शांति और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों घर स्वर्ग जैसा बनने वाला है। भाई बहन का रिश्ता और ज़्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, भाई बहन की अगर हर घर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ इस तरह के कार्य होने वाले हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूँ, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ की प्राप्ति अब होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत दिनों से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, अब वे यात्रा करने का भी समय आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में ज़रूर जाएं, उनकी पूजा और आरती ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं,
वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है। किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें। इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है, तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधू की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफ़ी अच्छे से व्यतीत हों, और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।